सामने जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे साधु महात्मा भी रहते हैं, जो कि हर चीज का यहाँ सुविधा है, व्यवस्था है, और बहुत भक्त लोग भी यहाँ आते हैं, रहते हैं, फिर जाते हैं। तो आपको हम दिखाना चाह रहे थे और फाइनली आपको हम दिखा रहे हैं। इतना प्यारा जो है ये सूरज कुंड जो है बनाया गया है चारों दिशाओं से। इसमें छोटी छोटी मछलियां भी हैं, बहुत प्यारी प्यारी, बड़ी मछलियां भी, बड़ी मछलियां भी। और आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे बत्तख भी रहते हैं, जो कि खूब मस्ती करते हैं। श्रद्धा का एक बहुत ही अच्छा श्रद्धा भाव से लोग यहाँ आते हैं, अपना रहते हैं, घूमते हैं। ये देखिए कितना अच्छा नजारा है, ये मंदिर रहा आपका। और यहाँ जस्ट बगल में डोमिनगढ़ स्टेशन भी है, जो कि श्रद्धालु इसी स्टेशन पे आते हैं और यहीं से पूरा घूमते टहलते हैं, फिर अपने घर को जाते हैं। तो फाइनली आपको हम दिखाना चाहते थे सूरज कुंड, और हमने दिखाया। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो आगे और दिखाते हैं पूरा चारों तरफ, कितना सुंदर नजारा है। तो आइए मिलते हैं सूरज कुंड धाम के कुछ लोगों से, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्यों? बिल्कुल। हमारे चाचा जी हैं, बैठे हुए हैं, भरपूर आनंद ले रहे हैं। कुछ कुछ सूरज कुंड के बारे में अंकल जी बताएंगे। बहुत पुराना पोखरा है, बहुत पुराना पोखरा है, इसमें से बताते हैं बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। हाँ हाँ, इसी ना फोटो हुआ खींचा, जब कुछ ले आवे आटा उटा गोली बना बना के आवे जी, तो कुल आ जाए। अच्छा, आ जाए या लगनी पूरे, तब वो समय में फोटो खींचा तो बढ़िया। चलिए अभी हम लोग वो भी देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, और फिलहाल घूमते हैं, देखते हैं कैसा है। और आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अभी मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। अगर कुछ कमी हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग प्यार हमको देंगे तो हम और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो बनाकर आपके लिए लाएंगे। ये देखिए यहाँ पे साधु संत लोग रहते हैं, जो कि परंपरागत तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। अंदर शिवालय है एक, जो कि वहाँ पे हमेशा जल गिरता ही रहता है। और यहाँ पे जो पुजारी लोग हैं रहते हैं, अपना विश्राम करते हैं। प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर भी है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा एक पार्क भी यहाँ बनाया गया है, जो कि यहाँ पे लोग टाइम पास भी कर लेते हैं। और बगल में ही अपना रेलवे स्टेशन भी है, जिस जो डोमिनगढ़ बोला जाता है, ये मंदिर जाने का मेन रास्ता है। देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखिए दो बत्तख है, जो नहा नहा करके अपना आराम फरमा रहे हैं। डर गई सारी, कर्म कांड स्थल भी मनाया गया है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा। भोजपुरी सिनेमा में कई फिल्मों में इस जगह का सीन लिया गया है, जो कि आप देखे होंगे, देखेंगे तो याद आ जाएगा यहाँ का जो नजारा है। फाइनली चलते हैं, बाय बाय, टाटा।